आप सेंसर बोर्ड को पूछ सकते हैं, आज सुबह से हमारे ट्रेलर के भी पीछे पड़े। मुझे एक सवाल प्यारी अमृता जी से जरूर करना है। हाय अमृता जी, कैसी हैं आप? आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे मेरा सवाल ये है, आपके लिए ये बहुत ही, जैसे अभी रेफरेंसेस नहीं थे, स्पीचेस नहीं थे, आपके लिए किस तरह का अनुभव था इस किरदार को करना? मेरे लिए एक ऐसे किरदार का रोल करना जो हमेशा, उन्होंने कभी फोरफ्रंट में वो दिखाई नहीं दी, वो हमेशा मीडिया शाई थी, और इतने बड़े पॉलिटिशियन की धर्मपत्नी होने के बावजूद उन्होंने कभी भी कैमरा के लिए पोज करना पसंद नहीं किया। उन्होंने हमेशा एक, मतलब उनका एक होमली, और जो जो उनकी पर्सनालिटी थी, शी वाज ऑलवेज ट्रू टू हर पर्सनालिटी। आई थिंक जो भी चीज़ें हुई उनसे, उन पे कोई ऐसा असर नहीं हुआ। शी वाज स्टिल द बेस्ट होस्ट। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जब भी कोई मातृश्री में गए तो माँ साहिब वॉज द फर्स्ट पर्सन जो खुद अपने हाथ से खाना परोसती थी। बिल्कुल, मैंने, और ये मैंने अपने एक अंकल से सुना जो कोइंसिडेंटली समहाउ हैपन टू रीच देयर। तो आई वाज लाइक ओके, देन वी हैव गॉट द रोल एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये करके एक एक माँ साहिब की एक पर्सनालिटी को पर्दे पे उतारना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मराठी में, एक टू कम अक्रॉस कन्विंसिंगली एज महाराष्ट्रियन। आई एम अ कोंकणी, ऑफ कोर्स बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र। तो काफ़ी सारी चैलेंजेस थे, एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट द रेट्रो लुक, द पीरियड लुक। मोस्ट ऑफ द फिल्म विल बी इन ब्लैक एंड वाइट, ये एक पहली बार हम ऐसे देख रहे हैं, तो या आई एम वेरी एक्साइटेड, लॉट ऑफ फर्स्ट टाइम्स इन द फिल्म। सर संजय राऊत सरांना प्रश्न आहे सर, एक सर, ठाकरे सिनेमाबद्दल सेन्सॉर बोर्डने जे आक्षेप घेतलेले आहेत, कोणत्या सीनबद्दल सर आक्षेप आहे? मराठी स्क्रीनिंग जे आहे ना तेव्हा प्रश्न विचार, पण ते दूर केले जाणार का काय मध्य मार्ग काय? एकंदरीत त्याच्यावरच थोडं ऑब्जेक्शन असल्याचं आमाला कळतं आहे, सेन्सॉर बोर्डचा आजच्या ट्रेलरमध्ये एक जो पोर्शन आहे दाखवलेला त्याच्याबद्दल असावं असं म्हटलं जात आहे। त्याच्याबद्दल एक तर पहिलं आपलं मत काय या ऑब्जेक्शनबद्दल, सेन्सॉरने घेण्याबद्दल, आणि दुसरी गोष्ट या प्रसंगाबद्दलच एकूण आपलं ओपिनियन काय आहे? जे घडले ते घडलेलं आहे, ते लपवण्यामध्ये काही अर्थ नाही। आणि मला असं वाटतं इकडे जर का झटपट निर्णय घेतला जात असेल तर मग एकूण बाबरी या विषयाचा झटपट निर्णय झाला तर अधिक योग्य होईल। अभिजित सर, तुम्हाला प्रश्न होता की बाळासाहेबांसाठी सगळ्यात हळवा कोपरा म्हणजे उद्धव साहेब, आणि त्याचवेळेला राज साहेब पण तो कुठेतरी दिसतोय, आम्ही प्रमोमध्ये पण पाहिला, तर हा बॅलन्सिंग ऍक्ट करणं किती कठीण होतं, सोपं होतं? अभिजित पणसे यांना प्रश्न आहे। ही कात्री सेन्सॉरपेक्षा जास्त आहे असं तिकडून बोलाय ना, म्हणजे सेन्सॉरची वादी उद्धव साहेबांची होती का? याच्यासाठी फिल्म बघावी लागेल तुम्हाला, आणि घाबरू नका, सिक्वेलची घोषणा ऑलरेडी संजय राऊतांनी केलेली आहे। उद्धव सर, आपल्यासाठी हा प्रश्न आहे की लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच हा चित्रपट येतोय, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे हीच सगळ्यात मोठी आठवण आहे सगळ्यांसाठी। एक रश्मी, मी एवढं सांगतो की मला वाटतं एक सेशन आपण वेगळं ठेवलेलं आहे त्यासाठी, हे हिंदी सेशनसाठी आपण ठेवलं होतं। हे सगळे प्रश्न उद्धवजी, मराठी जो आपला जो रिजनल मीडिया आहे त्याच्यासाठी आपण वेगळं सेशन नंतर ठेवलेलं आहे, आणि मराठीचा ट्रेलर वेगळा आहे पण तुम्हाला मी सांगतो। हॅलो, आपने ट्रेलर देखा है, आपको लगा कुछ हटा है? आपको लगा कुछ हटा है? बाळासाहेब ठाकरे जैसे थे, जैसे जे, वैसे पर्दे पर दिखेंगे। बाळासाहेब को ना उस वक्त किसी ने रोक लगाए, ना अभी कोई रोक लगाएगा। उद्धव जी, नहीं नहीं, अभी पिक्चर की बात करें, नहीं मैं आज तो पिक्चर की बात करेंगे। नमस्कार, और वो जो बात है वो मैदान में करेंगे। सर अभिजीत जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है, मेरा सवाल आपसे है यहाँ सामने जी। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि
सभी लोग यहाँ सेंसर बोर्ड की बातें कर रहे हैं, हम दरअसल जानना चाहते हैं कि आखिर किन किन चीज़ों पर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई है, क्या क्या चीज़ें आई हैं निकल करके, और आप उसका क्या निष्पक्ष निकालना चाहते हैं, आप क्या रिजल्ट निकालेंगे। उद्धव जी, एक बार आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने भी ट्रेलर देखा, आपने भी देखा कि क्या क्या इश्यूज आए, प्लीज़ आपका ओपिनियन। नहीं, जब भी फिल्म आ जाएगी तभी आप देख लेंगे, जैसा हमारे निर्माता ने कहा, बाला साहब जैसे थे जी वैसे ही दिखेंगे जी। और सेंसर बोर्ड के ऊपर सेंसर यहाँ पे है। उद्धव जी, एक आखिरी सवाल मेरा। उद्धव जी, देखिए, इस सेंसर बोर्ड की इतनी सारी बातें हो गई, आप जरा गौर कीजिए, यहाँ परिवार बैठा है जो जिनके ऊपर फिल्म है, उनसे जुड़ी फिल्म बनाई है, हमने कई बार इस तरह के बायोपिक्स बनाए हैं। तो इसमें एक बड़ी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि भाई आपका जो अटैचमेंट और प्यार है वो तो हो, लेकिन वो फ्रीडम भी हो कि आप वो सब्जेक्ट कह सकें। और उसका क्रेडिट मैं संजय जी को दूंगा, क्योंकि वो फ्रीडम, वो ब्लेसिंग जो परिवार का है वो उनके साथ था, और उन्होंने वही रियलिज्म, जेन्युइन स्टोरी, जो व्यक्तिमत्व थे वो व्यक्तिमत्व पिक्चर में उतारे हैं। इसमें कोई वाइट वॉश नहीं है या कोई ऐसी कोशिश नहीं है कि उन्हें किसी और थोड़े सॉफ्टर तरीके से पेश किया जाए। तो जो जो उनका जीवन था, जो शैली थी जिससे लोग प्रभावित होते हैं, जो उनके फैंस होते हैं, इंस्पायर होते हैं, वही चीज़ अभिजीत ने किरदार में उतारी है। उनकी फ्रीडम इन लोगों ने दी और उन्होंने उसको परफॉर्म किया, तो यही आप सब देखेंगे। संजय जी, मेरा हेलो। संजय जी, मेरा सवाल आपसे है। संजय जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? बस हाँ, बोले जी। मेरा सवाल आपसे है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था कि आप बताएंगे हल्के हल्के और सिक्वेंस आते रहेंगे, जो भी हमने ट्रेलर में देखा वो बहुत रियल स्पेस में है। बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट की हम बात करते हैं, वो आपने दिखाया। अब क्या फिल्म के अंदर संजय दत्त की जब मैं बात करता हूं, उनका भी जिक्र होगा? क्योंकि मैं उस वक्त सुनील दत्त साहब के साथ अगर किसी ने साथ दिया था तो बाला साहब ने दिया। हमको लोगों को पिक्चर दिखाना है, नहीं अगर क्योंकि वो भी एक हिस्सा रहेगा क्या संजय जी? हमको आप पिक्चर देखिए, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जहां बाला साहब ने ही सुनील दत्त साहब का साथ दिया। ये सवाल नहीं है फिल्म के बारे में। संजय जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि आप लोगों ने खुद ही मेंशन किया कि आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत की फिल्म बनाने के लिए, और कोई भी जो फिल्म बनाने के लिए काफ़ी टीम वर्क लगती है, चाहे वो टेक्नीशियन हो, मेकअप हो, हर कोई टीम वर्क करता है। लेकिन जब कोई लोग ट्रेलर देख के फिल्म को बैन करने की मांग करते हैं, जैसे कि अभी नवाज जी भी है इस फिल्म में, तो आपको क्या लगता है कि ट्रेलर देख के फिल्म को बैन करना या रस्ते पे आ जाना, क्या ये सही बात है? उद्धव जी, आपका भी इस पे रेस्पॉन्स। देखिए, यहाँ सवाल कहाँ पैदा होता है बैन करने का, ये ठाकरे है और ठाकरे ने सबको, देखिए ठाकरे, बाला साहब ठाकरे जी ने बहुत लोगों को बैन किया था अब भूल गए बाला साहब को क्या इतने जल्दी? देखिए, ये एक अच्छी फिल्म बनी है। उद्धव जी ने जिस प्रकार का फ्रीडम हम सभी को दिया था, उनका ब्लेसिंग हमेशा रहा, बाला साहब का भी रहा, एक टीमवर्क था। जैसे अभी संदीप रावड़े जी भी हमारे, कहाँ है संदीप रावड़े, आर्ट डायरेक्टर, वो पूरा माहौल जो बनाया था वो हमारे आर्ट डायरेक्टर संदीप रावड़े जी का काम है, बहुत बड़ा काम रहा। पूरा पुराना शिवसेना भवन आपने देखा होगा, आज नहीं है, बहुत सी बातें हैं जो रावड़े जी ने की है, तो ये टीमवर्क है। विशाल कहाँ है? विशाल, हाँ विशाल, VFX मैन बहुत लोग है, ये कोई मेरा अकेले का काम नहीं है। रोहन भी दिख रहा है मुझे, म्यूजिक डायरेक्टर, अभी म्यूजिक लॉन्च हो जाएगा 8 जनवरी को, आप उनकी भी कमाल देख लीजिए। मनोज यादव कहाँ है? मनोज, ये पूरा जो लिरिक्स है या हमारा पूरा डायलॉग्स है, ये मनोज जी का है। हाँ, तो ये टीम वर्क है और टीम वर्क रहेगा। उद्धव जी, नहीं एक मिनट, अजून दोन नावं बाकी आहेत, या इकडे। दुसरी कुठे? उर्वशी आणि विदिता कुठे? मी मागे पण बोललो होतो की खऱ्या चित्रपटाच्या निर्मित्या ह्या आहेत। संजय ह्या दोघींनी संजयला काम दिलं होतं, नाही असं नाही, तुम्हाला कल्पना असेल नसेल कल्पना नाही मला, पण ह्या संजयच्या दोन्ही मुली
मला खरंच कौतुक आहे, कारण लहानपणापासून बघतो आहे आणि ज्या वेळेला प्रथम मी या चित्रपटाच्या निमित्ताने त्याने भेटलो मला म्हणजे खरंच आश्चर्य वाटलं की या एवढ्या मोठी जबाबदारी कशा काय पार पाडू शकतात. पण अतिशय बारकाईने त्याच्यामध्ये लक्ष देऊन मग म्युझिक असेल, चित्रपट एकूण सेट असेल, सगळ्याच गोष्टी तुमच्या दोघींची खरी कमाल आहे. संजय जी, अरे कोण मला की मला वाटतं तुम्हाला सगळ्यांना चित्रपट पाहण्याची जास्त घाई झाली कारण तुम्ही अख्खा चित्रपट त्याच्याबद्दल प्रश्न विचारून समजून घेण्याचा प्रयत्न करताय, तर जरा थांबा, लवकरात लवकर येत्या 23 जानेवारीला पूर्ण चित्रपट येतो. संजय जी, उद्धव जी अँड नवाज अँड फ्रेंड्स, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा. सो वी विल जस्ट कीप इट लिमिटेड टू वन क्वेश्चन, और जिसके बाद 4:30 हमारा मराठी ट्रेलर है. और जैसा कि हमारे सभी लोग ने माननीय अतिथियों ने यहाँ स्टेज पे बताया कि वहाँ पे बहुत कुछ आप लोगों को पूछने के लिए मिलेगा. तो बस एक आखिरी प्रश्न. ओके संजय जी, यहाँ पे जो एक जो आप सेंसर बोर्ड की जो आप बात कर रहे थे, इट्स जो आप लाइफ की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली द फैमिली बता पाएंगे कि उनकी लाइफ कैसे दिखाई जाएगी, सही है कि गलत है. सही है क्या गलत है, नहीं, नहीं, वो सही बात है, वो सही बात है. नहीं नहीं, वो सही बात है जो आपने बोले. मैं जो पूछ रही हूँ कि सेंसर ने जो बताया है कि देयर आर सम थिंग्स दैट आर पोलराइजिंग इन इट, जो उनको शायद नहीं दिखाना चाहिए, क्या एक तो क्या ये बात सही है, दूसरी अगर सही है तो इस पे आपका क्या विचार है? क्या सही है क्या गलत है बाला साहब के बारे में, बाला साहब के बारे में खासकर क्या सही है या गलत है, ये तय कौन करेगा? सर, पोलराइजिंग वर्ड्स, पोलराइजिंग सेंटेंसेस और समथिंग लाइक दैट आर सीरियस, एस्पेशियली बिकॉज़ दिस फेम इज कमिंग बिफोर द इलेक्शन. जैसे पूरे जिंदगी में रहे, ये बोले, बात किया, उसने बाला साहब ने जो विचार दिया, जो भूमिका व्यक्त की, उसे बायोपिक कहते हैं. ये ट्रू स्टोरी है बाला साहब, ये कोई फिल्म की कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानी नहीं है. बाला साहब की जिंदगी, बाला साहब की जिंदगी खुले किताब की तरह लोगों के सामने रही, कुछ छुपा नहीं है बाला साहब की जिंदगी. और अगर तो सेंसर भी ये जो बातें हैं, सेंसर भी समझ लेगी, थोड़ा समय लगता है बाला साहब का विचार हजम करने में, 50 साल के बाद समझता है कुछ लोगों को. जैसे बाला साहब ने भूमि पुत्रों की बात कही थी 50 साल पहले, तो जो लोगों ने विरोध किया था, अब वही मुख्यमंत्री और वही पार्टी भूमि पुत्र वाली बात कानून बनाकर मध्य प्रदेश में लाना चाहती है. बाला साहब का विचार हमेशा है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और पोलराइजिंग, जो पोलराइजिंग जो अगर है कुछ, क्या फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इन सब चीजों का? बहुत बहुत उद्धव जी, एक मिनट. सॉरी, एज आई सेड, यू नो, फॉर अस इट इज एन अपॉर्चुनिटी, एंड आई सेड दैट आई एम थैंकफुल टू मिस्टर उद्धव ठाकरे एंड मिस्टर संजय रावत टू for giving us this opportunity to associate with this, and through this we are able to know, we are going very close to him and to get to know more and more things about him. Thank you very much. Thank you, bahut bahut dhanyawad, bahut bahut dhanyawad dosto. Isi ke sath main yahan pe bulana chahungi, aap sabhi log apne apne jagah par baithe rahe please. Aap logon se guzarish hai dosto, kripya karke baithe rahe. Isi ke sath main bulana chahungi Purvashi Raut ko, Varsha Raut ji ko और विदिता राउत जी को एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए. और रश्मिताई ठाकरे जी से भी गुजारिश है. मी रश्मी वहिनींना विनंती करतो, त्यांच्या हातून एक लहानस कार्य इथे करायचं आहे. आपण या.
और इसी के साथ दोस्तों हम ये पोस्टर रिवील कर रहे हैं रश्मिताई ठाकरे के कर कमलों द्वारा। और थोड़ी तालियों की गर्जना यहां भी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आपको बता दें स्क्रीन टू पे हमारा मराठी ट्रेलर लॉन्च 4:30 बजे के लिए स्केड्यूल किया गया है।